हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विन कुमार अवस्थी, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विन अवस्थी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ओ लेवल एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बारे में और उसके बाद होने वाली क्रिया के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको क्या करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, तो पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप पा सके मेरी वीडियो सबसे पहले। इसके अलावा ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है इसलिए इसको शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इसका बेनिफिट उठा पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ओ लेवल रिजल्ट के बारे में। तो ओ लेवल का जो रिजल्ट है वो काफी बहुत जल्दी ही आपके पास आने वाला है और उसकी डेट जो है वो नायलैंड ने डिक्लेयर कर दी है। अप्रैल लास्ट तक का आपके ओ लेवल जनवरी 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और आप जान पाएंगे कि आपने एग्जामिनेशन में जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट क्या आया है, आपने कौन सी ग्रेड हासिल की है। अगर आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते, यानी आपका रिजल्ट जो आपका आया है उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो कि आप शायद ना जानते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जानते। तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, उस वीडियो को आप वॉच करके अपने एग्जामिनेशन रिजल्ट में रीचेक की प्रोसेस कर सकते हैं। यानी अगर आपने जो काम किया था, यानी जो पेपर में आपने लिखा था, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है कि आपका आंसर जो था वो बिल्कुल सही था, फिर भी आपको मार्क्स नहीं दिए गए हैं, तो आप रीचेक के माध्यम से अपनी कॉपी को रीचेक कर सकते हैं। और रीचेक करने की पूरी प्रोसेस की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ आई बटन के माध्यम से भी आप देख सकते हैं और एंड स्क्रीन पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से उसको देखकर अपने रिजल्ट को रीचेक करा सकते हैं, जिसमें आपको एक रियल मार्किंग मिल पाए और आप जान पाएंगे जो आपने किया था उसका रिजल्ट बिल्कुल सही आया है या गलत आया है। और अगर आप रीचेक कराते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपने क्या कभी रीचेक कराया है या रीचेक के बारे में सुना है। जैसा भी हो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, इसके साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूले, क्योंकि ज्यादा लोग इस वीडियो की वेट करते रहते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो की वेट करते रहते हैं, मगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, जिसकी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण वो ऐसे चीजों को नहीं जान पाते। ये आपका काम है कि लोगों को आप इन्फॉर्म करें और जागरूक करें, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। एटलास्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि ओ लेवल में या ट्रिपल सी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर जरूर करूंगा, क्योंकि मैं नायलैंड के द्वारा डायरेक्टली बात करके आपको क्लियरिफाई करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं। एटलास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।